नमस्कार, खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं जुड़ी हुई है जो राजघाट से। अब राजघाट बनेगा रामघाट, क्योंकि यहाँ पर 22 अप्रैल से 5 मई तक होने वाला एक सीताराम नाम महायज्ञ का भव्य आयोजन, जो कहते हैं कि बुंदेलखंड में एक ऐसा आयोजन हो रहा है जहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। वहीं पर हम आपको बता दें कि त्यागी जी महाराज श्री श्री 1008 नेपाली बाबा जो इस समय पर अयोध्या से आ चुके हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व में जो है धार्मिक गंगा यहां पर बहने वाली है। कहीं ना कहीं अगर हम आपको बता दें कि बात की जाए राजघाट की, राजघाट बन जाएगा रामघाट, यहां पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। एक बार हम आपको एक बात बता दें, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यहां पर साधु संत भारत देश के इकट्ठे होंगे, जो यज्ञ चलेगा। आपको विशेष तौर पर बता रहे हैं दिनांक 22 अप्रैल से 5 मई तक यह यज्ञ चलेगा। इसमें लोगों के लिए आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त होगा और यहाँ पर लगेगा कि नगरी जो है राजघाट का एरिया जो है यह अयोध्या बन गया है, चित्रकूट बन गया है, मथुरा बन गया है, काशी बन गया है। यह आप सभी लोगों के बीच में सागर जिले में एक भव्यता से होने वाला, यह भविष्य का उज्जवल करने वाला यह आयोजन जो है इस समय पर शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं हम आपको बता दें जिसमें मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत एवं साथ में जिला पंचायत के अध्यक्ष और अध्यक्षों के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी देंगे। जहां तक सुरखी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, नरियावली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, रहली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, देवरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, कहीं न कहीं बीना विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, खुरई विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर सारे विधानसभाओं के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सागर जिले की अगर बात की जाए, इस विधानसभा की बात की जाए, यह राजघाट का यह भव्य आयोजन जो है अब लगेगा, यह कि ऐसा लग रहा है कि रामघाट बन गया है। आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं। क्या रूपरेखा बनी है आप देखिए तुम तक न्यूज पर यह विशेष खबर। जय जय श्री राम। राजघाट सिद्धे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ माँ भगवती श्रद्धा की पावन पुनीत स्थान स्थान धारी माँ श्रद्धा की परम सहृद महान जी हमारे जिला के सत्यनिष्ठ तपोनिष्ठ हीरा सिंह राजपूत संकल्पित भगवत स्वरूपा हमारे क्षेत्र के नगर पंचायत पंचायत सरपंच, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य पुण्योदय होता है तो किसी भूमि पर इस घोर कलिकाल में लोग कहते हैं कि कली का प्रथम चरण चल रहा है।
मैं इसको मान नहीं रहा हूं कि प्रथम चरण चल रहा है, यह अंतिम चरण चल रहा है। जबकि किसी भी मानव को अपनी मानवता का ज्ञान रह ही नहीं गया। आज इस घोर कलयुग में, जैसे जब रावण का घोर अत्याचार चलने लगा तो नारायण को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा, ब्रह्मा जी को लक्ष्मण के रूप में अवतार लेना पड़ा, शिव जी को शत्रुघ्न जी के रूप में अवतार लेना पड़ा, भगवान विष्णु को भरत जी के रूप में अवतार लेना पड़ा। आज तो मैं यही जानता हूं इस घोर कलिकाल में राम का अवतार मैं हीरा सिंह को ही मानता हूं, उसका राम का अवतार हो गया। इस राम का अवतार का यही प्रभाव है, यही प्रभाव है। आज क्षेत्र से जितने क्षेत्रवासी हैं सभी पवित्र पुनीत इस पावन तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ भूमि पर धर्म की रक्षा करने के लिए, पाप को दूर भगाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए। यह दिन हमारे राम की है। जैसे विश्वामित्र जी धर्म की रक्षा के लिए, हम जितने मानव हैं हमारा मानव का जो जन्म है वो यज्ञ से हुआ है। कोई भी शास्त्र कोई भी वेद श्रुति पुराण ला करके देखो कि हम मानव का जन्म मात्र यज्ञ से हुआ है, मानव का जन्म ही यज्ञ से हुआ है। जो मानव शरीर पाकर के यज्ञ नहीं किया तो उसको धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। विश्वामित्र जी ने बक्सर से चल करके अवधाम तक पधारे, यज्ञ की रक्षा, इस धरती का प्रणव तत्व यज्ञ है वह राम के लिए। उसी प्रकार मैं अयोध्या से चल करके इस पावन पुनीत जो हमारे पूर्वजों की पावन नगरी सागर था, सागर के औलाद में भगवान राम का अवतार हुआ था, वैसे मैं मानता हूं हीरा सिंह को राम का अवतार हुआ है और मैं राम के लिए ही आया हूं। हमारे राम रहेंगे, जग की रक्षा होगी और जग होगा, और जग होते ही रावण जैसा असुर जो है वो समाप्त हो जाएगा और सारा पृथ्वी, सारी पृथ्वी धर्ममय हो जाएगी। जैसे राम का राज जब हुआ, रावण पर जो भगवान राम ने विजय प्राप्त किया, ऐसा मानस के अंतर्गत तुलसी ने तपोनिष्ठ थे ब्रह्मनिष्ठ थे वो ब्रह्म के आधार पर रामचरितमानस का संगठन किया कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति चलहिं सो धर्म निरंतर सुति नीति, ऐसा रामचरितमानस में ये चौपाई आया है। मनिगण पुर नर नारी सुजाती सुचि अमोल सुंदर सभाती, बाहर भीतर से सब पवित्र आत्मा बैठे हुए हैं। आज जो आज की बैठक है किसी भी सभा को संबोधित करने के लिए, किसी भी सभा को संचालित करने के लिए एक कमेटी की गठन किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने क्षेत्र से क्षेत्रवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं आज सभा के सभापति को नियुक्त किया जाए। मैं तो प्रस्ताव लाता हूं और आप लोगों को समर्थन करने के लिए धार्मिक विधि से आप लोग समर्थन करेंगे। मैं तो यही प्रस्ताव ला रहा हूं कि हमारे इस धर्म गोष्ठी का अध्यक्ष धर्मात्मा राम के रूप में हीरा सिंह को मैं चुनाव कर रहा हूं और आप लोगों का जैसा समर्थन करना है सब हाथ उठा करके एक बार धर्म की जय को नारा लगाओ। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हे माता की जय हो, हे हत्या बंद हो, जय सीताराम हरी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे राम स्वरूप हीरा सिंह जी, और कलयुग के विशेष नाम का ही चीज है आज वही नाम भगवान नाम जप महाजन, जिसमें 1008 पंडाल 1008 कुंज की निर्माण होगी, जिसमें 1008 शिवलिंग की स्थापना होगा,
शिव जी ही राम नाम सुनते हैं, शिव जी ही राम नाम का उच्चारण करते हैं, शिव जी ही शुद्ध वैष्णव है। 1008 शिवलिंग का निर्माण होगा जिसमें 17,000 नाम जापक गांव गांव से आकर के यहाँ जाप करेंगे। जैसा कि आप लोग त्रिवेणी संगम पर देखे हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि त्रिवेणी संगम उस समय बच्चे के स्वरूप में जग हुआ, लेकिन आज यह सियाने के स्वरूप में जग हो रहा है, तो त्रिवेणी का 1000 गुना जैसे बच्चा का ताकत और सियाना का ताकत में अंतर हो जाता है, उतनी अंतर होना चाहिए। 1000 गुना बढ़कर के हम लोग यह करेंगे और 1000 गुना नाम जाप यहाँ होगा। 1100 दंपतियों द्वारा हवन होगी। हवन का मैं पहचान बतला देता हूँ, जो व्यक्ति हवन में भाग लेता है उसको अकाल मृत्यु नहीं होता है, जो व्यक्ति हवन कर लेता है उसकी स्त्रियां विधवा नहीं होती है, जो व्यक्ति हवन कर लेता है उस पिता को पुत्र शोक नहीं होता है। ऐसा हमारे रामचरित्र में, ऐसा हमारे वाल्मीकि में यह सिद्धांत मिला हुआ है। तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में भी लिखे हैं, अल्प नीर तू नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। ये तुलसीदास जी रामायण में भी लिखे, यही बात वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं, न पुत्र मरम के जी दर्शन नारिया सच विद्वान नित्यम भविष्य पतिव्रता। ये वाल्मीकि जी लिखे हैं। आप लोग देखिएगा बालक कांड के पहले सर्ग में 92 श्लोक होगा, आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा कि स्त्रियां का विधवापन खत्म हो जाएगा, पिता भी अपने पुत्र से निश्चिंत हो जाएंगे। पत्नी के लिए सबसे पति ही परमात्मा होता है, पिता के लिए पुत्र ही जो है सो मोक्ष का कारण बनता है। आज वह मोक्ष साक्षात इस कलयुग में हीरा रूपी राम के द्वारा संपन्न होगा। और आप लोग सच्चा समर्थन रहिएगा, आज मैं चाहता हूँ कि मंडल का निर्माण कर दिया जाए, हवनकर्ता संग्रह अध्यक्ष को निर्माण कर दिया जाए, अन्न संग्रह समिति अध्यक्ष का निर्माण कर दिया जाए, जगशाला बनाने का जो कार्य है उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, बांस घास की अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसे करके आज आप लोग कमेटी का निर्माण कर लीजिए, क्योंकि सभा में सब लोग जुटे हुए हैं। मैं देखा कि एक आदमी 10 लाख शुद्ध घी दिया, छोटा छोटा आदमी ऐसा काम किया, मुझको पता नहीं चला कि जग कैसे हो गया, 1000 क्विंटल अनाज आ गया। मैं देखा वहां 200-500 क्विंटल अनाज बचा हुआ। सभी हमारे जिले के सुर्खी विधानसभा से लेके पूरे जिले के प्रबुद्ध लोग यहाँ आमंत्रित हैं, विराजमान हैं। मैं सभी को दोनों हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करता हूं। गुरुदेव का आदेश हुआ है, अब बताओ कहां वे कहां हम, पर उनकी चरणों की रज भी बन जाए तो भी काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्या उपाधि मिली उस पर नहीं जाओ। अगर हम रामायण काल को देखें कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बने, क्यों कहलाने, जब गुरुदेव उनको लेके है तो 50 उदाहरण, 2-3 उदाहरण छोटे छोटे हम दे रहे हैं। जब धनुष यज्ञ में पहुंचे, उस सारे दूर दूर के भूपति नाना, जब सारे राजा महाराजा थककर बैठ, आज अपन में कोई बैठता है सरपंच बन जाए तो वो 3 बार जेब में हाथ डाल नोट निकाल रहे, कहा कितने चाहिए, जनपद तो छोड़ो, हम जब ठेकेदारी लाइन में आए, एक का नाम नहीं बता रहे। जब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव भगवान ने कहा कि उठाओ राम भंजाओ भव चापा और मैटो तात जनक संता, बहुत गजब। जब वे उठे और उठे भी कैसे, ठाड़े भय उठ सहज स्वभाव, हर्ष विषाद न कछ हो रहा हूं। अपन उठते हैं ऐसा उठता है आदमी, जेब में हाथ डाले, कड़ा दिखे इतने चैन दिखे, शांत बे में गुरु जी का आदेश पाने के बाद उनने धनुष तोड़ा। ये है उनकी सज्जनता मर्यादा पुरुषोत्तम। जब वो वनवास जा रहे हैं, गंगा जी मिली, फिर गोसाई जी ने लिखा, उतरे राम देख सुर सर और कीन दंडवत हर्ष विषित। अब उन्हें मालूम था कि गंगा जी उनके पैर के नख से निकली, अपन जाए कहीं घूमने घामने पूरी जाओ हमारे संग, हम कहे हम जब प्रेसिडेंट थे गोरे के
इस टपरा वाले को मारा था। आगे बढ़ो भैया, एक बार उन्हें बस तोड़ी थी। अपनी कहानी खुद सुना ला। अब दे जबकि उनके पांव के नखून से गंगा जी निकली है, पर वे उतर के उनको दंडवत कर रहे, ये देखिए महानता। उन्हें राम ने नहीं कि भगवान अपने लक्ष्मण से कि सुमंत से कि सीता से कि भैया जहां हमारे नखून से निकली गंगा वह रही हम छू दे सो छोड़ो, नहीं कहा। ये उनका मर्यादा पुरुषोत्तम होने का एक उदाहरण। पूरा राम रावण युद्ध हो गया, अब भी पुष्पक पर बैठ के आ रहे हैं वापस। फिर गोसाई लिखी तहसील चौपाई लिखी, अपन कहीं से निकलो भैया आए थे हमने फिर में तीन दे बोलिंग हमने जब्त कर ली, TI को हमने गाली दे रही। वे कह रहे हैं कि सुनो, सीता से कह रहे हैं, कह रघुबीर सुनो रन सीता और यहां हताओ लक्ष्मण इंद्रजीत। हे सीते, यहां लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा है, जाने की हमने रावण की भुजाएं पटा दी, 10-30 काट डाले, जाने की हुई। अपनी मुंह से रामचंद्र जी ने कोई तारीफ नहीं की। ऐसी सैकड़ों चौपाई हैं जो गुरुदेव बताएंगे। तो राम एक ऐसी अलौकिक शक्ति हमारे देश में थी, और उस शक्ति को हमारे सनातन धर्म की आराध्य राम। सनातन धर्म भी क्या है? सनातन धर्म ने कभी नहीं कहा कि दूसरे का धर्म खत्म कर दो। आजकल राजनीति में लोग कह रहे थे कि यार वो खुटांग खींचो, वो कैसे बदनाम कर देवे, कैसे लांछन लगा देवे, अपनी लाइन आप खींचते रहो। सनातन धर्म ने केवल अपनी लाइन खींची है और हमेशा कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का। सनातन ही नहीं कहता कि विश्व में अकेले हिंदू रहे, तुम तब तक सब बने रहो।